हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 9, क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, वीडियो पार्ट 1। माय सेल्फ प्रीति गोधाम वेलकम्स यू टू दिस वीडियो। टुडे वी विल सी हाउ कैन वी क्रिएट टेबल्स इन एमएस एक्सेस। सो फॉर दैट आई एम सर्चिंग द एमएस एक्सेस हियर इन द सर्च बॉक्स। आई ऑलरेडी ओपन दिस ऐप, सो आई एम डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन दिस एक्सेस बटन and the access is opening on your screen. After then that, click on view button. This is view button. Click on design view. In the design view, you have to save your table 1. So click on OK button. So the table is appearing under the design view. In this, you want to enter the marks of few students as well as you want to enter the name, class and section. So first of all, I am writing it here, name. The data type of the name, here we can use names. And the data type of the names is text. So I am writing the data type as text. This is text and this is names. Okay, then I am writing roll number. The data type of the roll number is number. Then we have to write class. So class is also in number and text both. So I can use memo. Then we have to write marks, scored marks. Okay, I'm writing marks. Marks is in number. In this way, we can create our table. After creating this, I'm clicking on view button, then data sheet view. Data sheet view karne pe ye aapse pooch raha hai ki, do you want to save this table now? Yes, I want to save my table. So I'm clicking on yes button. So the fields are names, roll number, class, marks. These are the fields. Now we have to do the entry in this one. Aditya, roll number is 3. Class is 8A. Marks scored is 324. Okay. The next entry I'm doing is about Pushpa. The roll number is 5. Class is 7A. Then the marks obtained is 380. The next one is Pooja. We can write any name. We can give the roll number which they have. Then the class is, I can use letters also, 8A. Because I gave here as memo my field entry. So, यहाँ पर हम जो मार्क्स देंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग टेबल बना लोगे। The next one is Neetu. The roll number is 45. Class is 6A. And the marks obtained is 365. And the last entry which I am doing is Ranjan. Our roll number is 25. Class is 9C. Then marks obtained is 315. ठीक है, तो इस टाइप से मैंने सारी मार्क्स एंट्री कर ली है। ये 224 ले लेते हैं हम मार्क्स। क्लियर, तो ये एक मेरी टेबल बन चुकी है। दिस इज कॉल्ड एज द टेबल, जहां पर हम अपने डेटा को सेव करके रख सकते हैं। लुक, बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज अपीयरिंग टू द लेफ्ट साइड एंड द नंबर्स आर अपीयरिंग टू द राइट साइड। और ये कॉम्बिनेशन था टेक्स्ट और नंबर का, तो ये लेफ्ट साइड में होंगे। हमेशा नंबर्स राइट साइड में होते हैं। हम चाहें तो इसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये अलाइन बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप अलाइन कर लेंगे, ये सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे सेंटर कर देंगे, लेफ्ट करना है लेफ्ट करेंगे, राइट करना है राइट करेंगे। मैंने सेंटर कर लिया, सभी को अलाइनमेंट दे दिया सेंटर। ठीक है, नाउ द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड सॉर्ट करने हैं। तो अभी हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स देखते हैं। ये नेम जो बने हुए हैं वो बिल्कुल भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to arrange these names either in ascending order or in descending order. So for that, I'm right clicking here. I'm getting sort A to Z option. जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये जो डेटा होगा वो A to Z में अरेंज हो जाएगा। क्लियर, इसके नंबर भी उसी अकॉर्डिंग अरेंज हो गए हैं।
सेकेंड थिंग, मैं जब सॉर्ट कर रही हूँ तो आपको ये एरो साइड में एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, दैट मीन्स आपने सॉर्टिंग कर रखी है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ए टू जेड, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये मेरा जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट जेड टू है, तो जेड टू ए हमने लगा दिया, तो जेड टू ए ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। ऐसा ही सेम चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं, वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल बटन अंडर द होम टैब, होम टैब वी आर गेटिंग सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप मिलेगा, आप जिसे भी सॉर्ट करना चाहते हो, जैसे नेम्स को सॉर्ट करना चाहते हो, नेम्स कॉलम पे क्लिक करोगे, जैसे हम यहाँ पे फिर से करके देखते हैं, ये आपने नेम्स कॉलम को चूज करा, नेम्स कॉलम पे मैंने सिलेक्ट करा और असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, तो ये डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो तो आप रिमूव सॉर्ट कर दोगे, रिमूव सॉर्ट करने से ना आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में ये डेटा आपका अरेंज नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग, क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग हियर इज अबाउट फिल्टरिंग ऑफ डेटा, डेटा को फिल्टर करना, डेटा को फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पर डेटा फिल्टर करेंगे, तो फिल्टरिंग इज डन ऑन टू डिफरेंट वेज, फिल्टरिंग हम नंबर पे भी लगा सकते हैं और लेटर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम फिल्टर करना चाहेंगे तो ये फिल्टर करने के लिए आप सपोज दैट ये नंबर पे फिल्टर लगाना चाहते हो या मार्क्स पे फिल्टर लगाना चाहते हो, आप मार्क्स सेलेक्ट कर लोगे और मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, कहाँ पर है ये अवेलेबल, होम टैब सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप फिल्टर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप फिल्टर में देखोगे नंबर फिल्टर्स के अंदर कि कौन से नंबर पे फिल्टर लगाना है, सारे नंबर्स को आपको देखना है, तो आप जैसे सपोज 215 को अनहाइड कर देते हो या फिर 224 को हाइड कर देते हो, तो आप इस लिस्ट में देखोगे कि ये दोनों नंबर आपको नहीं दिख रहे और यहाँ पे एक फनल टाइप का ऑप्शन अपियर हो रहा है, ठीक है, फनल टाइप का आपको बटन दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका नंबर डायरेक्टली फिल्टर हो जाए तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नंबर फिल्टर्स पर, नंबर फिल्टर्स के अंदर आप क्या चाह रहे हो कि आपका नंबर डोंट इक्वल टू हो, डजंट, डस नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन और बिटवीन हो, आप चाह रहे हो कि आपका नंबर 354 से 380 के बीच का हो, है ना, नंबर फिल्टर में बिटवीन किया, तो आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा लेना है, 300 से आप 400 के बीच का नंबर देखना चाहते हो, ठीक है, और ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपको दिख रहे हैं कि ये तीन नंबर्स हैं। ऐसे ही हम फिर से करते हैं, फिल्टर में जाएंगे या फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आप इस फिल्टर ऑप्शन पर यहाँ से भी जा सकते हैं और फिल्टर में जाने के बाद में नंबर फिल्टर्स ग्रेटर देन, मुझे ग्रेटर देन किससे चाहिए नंबर, यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन 350 से चाहिए, तो हमने 350 एंटर करा और ओके कर दिया, तो 350 से बड़े ये तीन नंबर हैं। हम और फिल्टर लगाना चाहते हैं, नंबर फिल्टर्स में जाएंगे, ग्रेटर देन में गए और यहाँ हम चाह रहे हैं कि 370 से बड़ा नंबर हो, तो देखो सिर्फ 380 ही एक अकेला 370 से बड़ा नंबर है, दिस इज कॉल्ड एज फिल्टर। आप फिल्टर यहाँ पर एडवांस फिल्टर भी होता है, सिलेक्शन फिल्टर भी होता है, सिलेक्शन फिल्टर के अंदर आप सिलेक्ट करके देख रहे हो कि नंबर आपका इक्वल्स टू 380, नॉट इक्वल्स टू 380, लेस देन 380, अब लेस देन 380 में क्या होता है, तो 380 से छोटे नंबर, लेस देन 380, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 380 और बिटवीन, ठीक है, ये सिलेक्शन फिल्टर। एडवांस फिल्टर्स के अंदर आपको एडवांस फिल्टर के अंदर फिल्टर बाय फॉर्म, क्लियर ऑल फिल्टर्स, एडवांस फिल्टर, इस टाइप के आपको फिल्टर मिलते हैं, ओके okay? और लास्ट होता है टोगल फिल्टर, टोगल फिल्टर दैट मींस आप कोई भी फिल्टर नहीं अप्लाई करना चाहते हो, एक भी फिल्टर ना हो तो आप यहाँ कर दोगे टोगल फिल्टर, तो आप देख रहे हो सारे फिल्टर हट गए, एक नॉर्मल टेबल जो हमारी स्टार्टिंग में थी वही सेम टेबल यहाँ अपियर हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज टोगल फिल्टर। तो आज की वीडियो में हमने दो चीजें स्टडी करी है, फर्स्ट होता है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग हम टेक्स्ट और नंबर्स पे लगा सकते हैं, जैसे अभी हमारा टेक्स्ट अरेंज्ड है, मैं नंबर्स चाहूँ तो नंबर्स पे हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, ये सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद में हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो सारे नंबर मेरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, लेकिन नाम जो नेम्स है वो हमारे रेंडम मैनर में अरेंज है। ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं,
और अगर आपको कोई भी फिल्टर नहीं लगाना है, कोई भी सॉर्ट मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज करना है डेटा को, तो आप रिमूव सॉर्ट कर सकते हो, तो आपका डेटा नॉर्मली अरेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिल्टर। फिल्टर दैट मींस आपको अपने डेटा को फिल्टर करके चेक करना है, ओके। उसके अंदर डेटा आपको कुछ डेटा हाइड करना है, कुछ डेटा अनहाइड करना है। तो जब हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर के अंदर हमारे पास में वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने फिल्टर किया तो यहाँ सिलेक्ट ऑल दैट मीन्स सारे नंबर्स होते हैं, फिर नंबर फिल्टर्स होते हैं। नंबर फिल्टर्स के अंदर आपको 5 डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, इक्वल्स टू, डस नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन और बिटवीन। आप इसमें से जैसे लेस देन चाहते हो कि लेस देन मेरा नंबर 315 से छोटा हो, 315 से नंबर छोटा होना चाहिए, और ओके कर देंगे, तो आपको देखो 315 से जो छोटे नंबर है सिर्फ वो नंबर दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द फिल्टर। अगर आप फिल्टर नहीं लगाना चाहते हो, सारे फिल्टर्स हटाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप टॉगल फिल्टर बटन पे क्लिक कर दोगे जो सारे फिल्टर्स को रिमूव कर देगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द फिल्टर एंड द सॉर्टिंग ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन होता है सर्च। सर्च दैट मीन्स आपके स्टेबल से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आप इस नीचे सर्च बॉक्स के अंदर सर्च कर सकते हो। आप क्या सर्च करना चाहते हो वो इस सर्च बॉक्स में टाइप कर दोगे। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ आर, तो आर से रिलेटेड देखो मेरा रंजन के नाम का आर आ रहा है, वो हाईलाइट हो गया। ए तो ए भी हाईलाइट हो गया, एन एन भी हाईलाइट हो गया, जे ए एन, तो मुझे पूरा रंजन एंट्री दिख जाएगी। ठीक है, जिस भी चीज को आप सर्च करना चाहते हो वो आपको एंट्री टेबल के अंदर हाईलाइट होती हुई दिख जाएगी। अब यहाँ नेक्स्ट एंट्री में करना चाह रही हूँ, जैसे सपोज दैट मेरी टेबल के अंदर रितिका नाम नहीं है, मैं रितिका नाम टाइप कर रही हूँ, तो आर मेरा हाईलाइट हो रहा है लेकिन उसके आगे के लेटर्स मेरे हाईलाइट नहीं हो रहे, तो यहाँ रितिका नाम का मेरा कोई भी लेटर अपियर नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सर्चिंग। दैट मीन्स व्हेन वी आर सर्चिंग समथिंग, इफ इट इज अवेलेबल इन द टेबल देन इट विल बी विजिबल एज हाईलाइटेड वर्ड्स, इफ इट इज नॉट then you will not get that entry in your table. I hope these three things are clear to you. Okay, students, thank you everyone for watching this video.